माता जी, 24 अगस्त 2023 के मकर दैनिक राशिफल में सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में। 24 अगस्त गुरुवार का दिन है। सावन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा 9:04 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इंद्र योग, वैद्यति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव पूरे दिन रहेगा। चंद्रमा का संचार मकर राशि वाले वृश्चिक राशि में, सूर्य सिंह राशि में विराजमान पहले से हैं और बुध जो सिंह राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना चुके हैं, बुध अब वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि सिंह राशि में उल्टी चाल चलने वाले हैं। 24 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर 12:49 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 2 से लेकर 3:38 तक रहेगा। राहुकाल के समय कोई भी नया शुभ कार्य ना करें, विघ्न आ सकती है। तो चलिए बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। मकर राशि वालों, आज के दिन मन प्रसन्न रहेगा, वाणी में मधुरता भी रहेगी, लेकिन रात में विश्वास और धैर्यशीलता में कमी देखने को मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी से नौकरी के लिए कॉल आ सकता है। मकर राशि वाले, आपके ऑफिस में आपके कर्मचारियों का आपके साथ उचित तालमेल बनाकर चलने से अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक आप पूरा कर सकेंगे। व्यापारियों के लिए बहुत ही समय अच्छा है, व्यापार में मुनाफा होगा, आर्थिक मामलों में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी और सभी काम आपकी इच्छा के अनुसार आज पूरी हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आप कंपिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। बिजनेस में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही सावधान रहें, बातचीत करते समय संतुलित रहें, क्योंकि आपके बयान से कुछ नुकसान हो सकता है, तो आप अपनी पर्सनल बातें बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको सतर्क रहना होगा, आपके बयानों की वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। दिनचर्या आपका अव्यवस्थित हो सकता है। कोई नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना हो, अपने गुस्से पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। गृहस्थ जीवन आपका अच्छा रहेगा, माता पिता के का सहयोग आपको मिलेगा, मित्र के सहयोग से कोई कार्य पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही सावधान रहें, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं और घर में आपके खान पान पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। अपने कार्य में आप बहुत बिजी रहेंगे, तो अपनी बिजी लाइफ से कुछ समय अपने पार्टनर के लिए भी निकालें। पारिवारिक जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएंगे। धार्मिक स्थानों की यात्रा आप कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे, आपके संबंध मजबूत होंगे। पूंजी निवेश अगर करना चाहते हैं तो समय उसके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़े दिनों के लिए टाल दें। प्रतियोगी परीक्षा की जो मकर राशि वाले तैयारी कर रहे हैं, तो उनको उनका मन थोड़ा सा भटक सकता है, उचाट हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर चलना होगा। एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है और घर में किसी संबंधी का आगमन होगा, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। भाग्य अंक आपके लिए 6 है, भाग्यशाली रंग लाल है। मकर राशि वालों, आप भगवान शिव की पूजा जरूर करें, शिवाष्टक का पाठ जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। आपके जीवन में जो भी बाधाएं चल रही हैं वह समाप्त होंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे विदा लेते हैं, अगले राशिफल में फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।